हमेशा अकड़ में रहने वाले गोविंद सिंह राजपूत की इस चुनाव में अकड़ ढीली पड़ गई है और मंच से मतदाताओं से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना कर रहे हैं। गोविंद सिंह ने लंबा समय कांग्रेस में गुजारा है, लेकिन मार्च में वे कमलनाथ की सरकार गिराकर भाजपा में शामिल हो गए थे। दबंग नेता गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। इस उपचुनाव में उनको अपनी परंपरागत सुर्खी में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सिहोरा की सभा में गोविंद सिंह कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए। अपने आंसू पहुंचते हुए गोविंद सिंह राजपूत ने मतदाताओं से कहा, जो गलतियां हुई हो क्षमा कर देना, भविष्य में नहीं होंगी। गोविंद ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सौम्यता और जनता के आगे नतमस्तक रहने के अंदाज की जमकर तारीफ की। मध्य प्रदेश के नहीं, देश में कम ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। मगर इनकी सहजता जनता के सामने दोनों हाथ से घुटने पर टेक कर प्रणाम करना, मेरी आंख में आंसू आ गए मैंने जब फोटो देखा। और आज मैं जनता के सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि अगर जाने अनजाने में गोविंद सिंह पर कोई गलती हुई हो तो शिवराज सिंह चौहान जी को आदर्श मानते हुए मैं कसम खाता हूं कि जीवन में कोई गलती नहीं करूंगा। अपने सेवकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरे सम्मान के साथ पेश आऊंगा। कभी भी हो लोगों से न केवल उनके विकास कार्य बल्कि उनके व्यक्तिगत काम भी जो बन सकेगा वो ये गोविंद सिंह आपके सामने आपके पास आकर कर दिखाएगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। साथियों, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्दी जाना है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, मेरे आंखों में आंसू है खुशी के कि मुझे उस आदमी के साथ काम करने का अवसर मिल रहा है जिसके पास में विकास की सोच है। आज सुर्खी विधानसभा में मैं 15 महीनों में 5 पैसे नहीं ला सका और शिवराज सिंह चौहान जी ने खजाना खोल दिया और कहा कि जाओ जो काम कराना है कराओ गोविंद। 500 करोड़ रुपया के काम न केवल स्वीकृत हुए बल्कि वो काम भूमि पूजन होने के बाद काम लग गए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।